सेटिवम के नाम से जानते हैं। तो पाइसम सेटिवम क्या होता है? तो पाइसम सेटिवम हो गया वैज्ञानिक नाम पी का होता है, ठीक है। मटर के पौधों को सबसे पहले पढ़ने मतलब जानकारी लेने का काम इन्होंने किया। तो मटर के पौधों में अलग अलग तरह के कैरेक्टर को चुना, लगभग इन्होंने 7 पेयर अपोजिट कैरेक्टर को चुन लिया। कितना? 7 जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर को, ठीक है। किसका? मटर का। कौन चुना? मेंडल ने चुना। और इसकी जरूरत फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक में होगा। तो जेनेटिक्स का फादर, जेनेटिक्स जो हम लोग पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि यह इनहेरिटेंस भी है और क्या है, वेरिएशन भी है। इस बात को प्रूफ करने का काम इन्हीं को जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। हेरिडिटी क्या हो गया? एक जनरेशन के से करेक्टर को अनदर जनरेशन में जाने के गुण को हेरिडिटी कहते हैं। एक जनरेशन में जो कुछ भी सीखा है, अगले जनरेशन में वो कुछ नया चीज सीखता है उसके अलावे, तो ये वेरिएशन कहलाता है। फादर दादाजी का कैरेक्टर फादर में, पिताजी में, और पिता का कैरेक्टर फिर आगे जनरेशन में जाता है तो पैटर्नल कैरेक्टर। मैटर्नल क्या होता है? माँ का, मैटर्नल का मतलब कि नानी का कैरेक्टर माँ में, माँ का कैरेक्टर आप में, तो ये हो गया मैटर्नल कैरेक्टर। क्लोन क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से, जेनेटिकली मतलब अंदर से, कोई ऑर्गेनिज्म अगर सेम दिखता है, जैसे आलू, लहसुन, अदरक, ईख, ये सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए होते हैं और इसमें बिल्कुल बाहर से और अंदर से जैसा है वैसा ही दिखता है, बदलाव आने पर इसमें बचने की संभावना नहीं होती, उसी को क्लोन कहते हैं। मतलब दो जो स्ट्रक्चर विच इज एक्सटर्नली या मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर, क्लोन। ए सेक्सुअल क्या है? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, नो गैमेट फॉर्मेशन, इसमें ना गैमेट बनेगा, ठीक है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, ना बनेगा तो फ्यूजन कहाँ से होगा, ठीक है, इसको क्लोन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट के लिए क्या है? तो एक गैमेट मेल का स्पर्म हो गया, दूसरा गैमेट फीमेल हो गया, ओवम हो गया, दोनों फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फ्यूज करके क्या बनेगा? तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप करके अगर प्लांट है तो सीड बनेगा, अगर एनिमल है तो ऑफस्प्रिंग बनेगा। फिनोटाइपिक क्या हो गया? बाहरी गुण जो दिखता है, एक्सप्रेसिव गुण, वो फिनोटाइपिक। अंदर के गुण जो दिखता है उसको जीनोटाइपिक कहते हैं। होमोलोगस का मतलब क्या हो गया? जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसको हम लोग टॉल प्लांट कहते हैं, ठीक है। टॉल प्लांट का मतलब है लंबा पौधा वाला, ठीक है। और स्मॉल टी, स्मॉल टी, इसको हम लोग ड्वार्फ प्लांट बोलते हैं, मतलब बौना पौधा। मेंडल ने मटर के पौधों को दो तरह का पौधा को चुना, एक लंबा वाला और एक बौना वाला। तो लंबा वाला को एक्सप्रेस करने के लिए जो कोड दिया वो स्मॉल टी दिया, और बड़ा वाला को एक्सप्रेस करने के लिए कैपिटल टी दिया। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से समान है? कैपिटल टी, तो इसलिए इसको होमोजाइगस कहते हैं। लेकिन मेंडल ने क्रॉस करा के उसको कैपिटल टी स्मॉल टी में कन्वर्ट कर दिया, दो अलग अलग ब्रीड को एक साथ बना दिया। इस तरह के ब्रीड को हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। और यह दोनों एक दूसरे से अलग अलग है इसलिए इसको हेटरोजाइगस कहते हैं। मतलब एगो कैपिटल टी, एगो स्मॉल टी है, तो दो अलग अलग कैरेक्टर जब अलग अलग दिखने लगे तो उसको हेटरोजाइगस या इम्प्योर ब्रीड बोलेंगे, क्योंकि मिलावट ना आ गया इसमें, और इसमें मिलावट नहीं था, ये भी दोनों प्योर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। अब इसके लिए मेंडल ने दो तरह के क्रॉस को देने का काम किया। तो क्रॉस क्या था? तो मेंडल का जो क्रॉस था वो दो तरह का था। कोई प्रॉब्लम अनुष्का? कोई प्रॉब्लम देखो तो नहीं, चलो बोलते हैं। मेंडल ने दो तरह का क्रॉस दिया, एक का नाम था मोनो मोनो हाइब्रिड, ठीक है, और दूसरा क्रॉस था डाई हाइब्रिड, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता डबल। तो मेंडल ने जब कैपिटल टी एक लिया और दूसरा स्मॉल टी दिया, तो वन पेयर है, वन पेयर क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड क्रॉस बिटवीन टू पेयर, इसमें दो पेयर लिया, एक टॉल प्लांट और एक येलो सीड, इसको हम लोग बोलेंगे टॉल प्लांट, ठीक है, और इसका ठीक अपोजिट लेते हैं जिसको बोलते हैं टॉल प्लांट, और ये येलो सीड था। इसमें दो मेंडल जब दो गुणों को एक ही बार में बदलने की कोशिश किया तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और स्मॉल टी में क्या हो गया? तो ये हो गया ड्वार्फ प्लांट हो गया, और येलो है तो इसका ठीक उल्टा ग्रीन होता है। 7 पेयर लिया, उसी में से हम लोगों ने कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करने की कोशिश किया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लांट।
इफ क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर इज कॉल्ड डायहेब्रिड क्रॉस, एंड इफ क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉल प्लांट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्वार्फ प्लांट. तो इफ क्रॉस बिटवीन टू वन पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड इफ क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर इज कॉल्ड डायहेब्रिड क्रॉस. अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा और डायहेब्रिड क्रॉस में क्या होगा, तो इसके लिए पहले हम लोग क्रॉस करा के देखते हैं. ठीक है, क्रॉस कराने के लिए नेक्स्ट पेज को लेते हैं. सबसे पहले कैपिटल टी, कैपिटल टी, इस प्लांट का नाम क्या होगा, टॉल प्लांट, टॉल पेरेंट भी बोल सकते हैं, प्लांट में टॉल प्लांट हो गया, ये हम लोग का पेरेंट्स हो गया, मतलब जो क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं वो पेरेंट्स हो गया. इसको क्रॉस किससे करना है, स्मॉल टी, स्मॉल टी. ये कैसा ब्रीड है, तो ये प्योर ब्रीड है, मतलब होमोजाइगस है. ठीक है, जब अलग अलग होता तब हेटरोजाइगस. और इसको क्रॉस किससे करना है, तो ड्वार्फ वाले से करना है, ड्वार्फ प्लांट. ठीक है, ड्वार्फ प्लांट ये कैसा ब्रीड हो गया, ये भी प्योर हो गया, लेकिन ये क्या है, बौना किस्म का है, और ये क्या है, लंबा किस्म का है. ठीक है, तो दो किस्म का हो गया. अब इसको हम लोग सबसे पहले सेपरेशन करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इसको भी सेपरेट कर दिए और इसको भी सेपरेट कर दिए. ठीक है, सेपरेट करने के बाद पहले वाले को पहले वाले से क्रॉस करा दिए, तो पहला टी छोटा टी आया. फिर पहले वाले को दूसरे वाले से करा दिए, तो बड़ा टी और छोटा टी हो गया. ये जो क्रॉस हुआ इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, क्योंकि पहली बार ये पहली पीढ़ी में ये क्रॉस किया गया. तो ये दोनों जो हुए ये क्या हो गए, तो हाइब्रिड हो गए. क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया. हाइब्रिड क्यों कहा गया इसमें, क्योंकि इसमें मिलावट हो गया. क्या इसको हम हेटरोजाइगस कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं. हेटरोजाइगस क्यों कह सकते हैं इसको, तो हेटरोजाइगोट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग ब्रीड मिला हुआ है, इसलिए हेटरोजाइगस कहे. तो एक ही पीढ़ी पर मेंडल क्या चाहता था, मेंडल बदलाव चाहता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि पेरेंटल कैरेक्टर आए, वो भी यही चाहता था कि पेरेंटल कैरेक्टर भी आए, लेकिन पेरेंटल कैरेक्टर आया नहीं, दोनों मिलावट वाला आ गया. मेंडल ने सोचा कि फिर इसको एक बार और क्रॉस कराओ ताकि हमको पेरेंटल भी आ जाए लास्ट लास्ट तक. ठीक है, उसने दूसरे जनरेशन के लिए क्रॉस किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग किया, कैपिटल टी स्मॉल टी. अब कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस किया, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे क्रॉस किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी. ध्यान रखें कि पहले हम लोग कैपिटल लिखेंगे, बाद में स्मॉल लिखेंगे. इससे इसको क्रॉस किया, तो स्मॉल टी स्मॉल टी. ये जनरेशन कौन सी हो गया, F2 जनरेशन. ठीक है, ये था F1 जनरेशन और ये हो गया F2 जनरेशन. अब F1 जनरेशन में क्या हुआ, ये जो हम लोग लिए थे पेरेंट, ये पेरेंट आ गया वापस. मेंडल यही चाहता था कि पेरेंट वापस आ जाए, तो पेरेंट जो आ गया इसको रखा गया, कौन प्लांट रखा गया, इसका नाम, ये तो टॉल था तो टॉल आ गया. ये दोनों एक तरह का है, इसलिए इसको हम लोग क्या रखा गया, हाइब्रिड. हाइब्रिड कहें या इसको हेट्रोजाइगस कहें, हेट्रो हेट्रोजाइगस के नाम से जान सकते. और ये क्या था, ये बौना वाला किस्म का था, तो ये हो गया ड्वार्फ प्लांट. अब मेंडल ने रिजल्ट निकालना शुरू किया. मेंडल देखिए, मेंडल अगर अपने थ्योरी को मैथमेटिकल टर्म से एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, मैथमेटिकल टर्म का यूज नहीं कर पाता, तो मेंडल सक्सेस नहीं होता. तो क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल क्यों सक्सेस किया, तो मेंडल इसलिए सक्सेस किया क्योंकि उसने सबसे पहला मटर प्लांट को चुना, और मटर प्लांट कम टाइम में तैयार हो जाता था, 2-3-4-5 महीने में तैयार हो जाता है, इसलिए मेंडल सक्सेस किया. दूसरा काम, मेंडल ने मैथमेटिकल टर्म का यूज किया, इसलिए मेंडल सक्सेस किया. तीसरा काम, तीसरा था कि मेंडल ने 7 जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर को चुना, इसलिए मेंडल सक्सेस किया. ठीक है, तो रिजल्ट में क्या होता था, हम लोगों ने देखा था, याद किए, जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक देखा था, और दूसरा क्या देखा था, फिनोटाइपिक इफेक्ट देखा था. जीनोटाइपिक में क्या बोला था कि अंदर से क्या क्या दिखता है, तो एगो इस तरह का दिखा तो 1:2, दूगो एक तरह का दिख रहा है तो 2:1, एगो एक तरह का दिख रहा है 1, तो ये हो गया जीनोटाइपिक. अब कहता है बाहर से कितना बड़ा दिखेगा, तो अगर किसी में एगो भी बड़ा आ जाता है तो बड़ा दिखने लगता है. ठीक है, तो ये वाला हाइब्रिड है, जो बड़ा बड़ा गोभी मार्केट में मौजूद है, या सब्जी मौजूद है, या चावल मौजूद है, वो हाइब्रिड किस्म का है. तो ये तो लंबा दिखेगा, ये भी साथ साथ लंबा दिखेगा, मतलब 3 गो में कैपिटल टी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो 3 हो गया. इसमें बदलाव नहीं आया, इसमें बदलाव नहीं आया, इसका रेशियो हो गया 1. तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो 1:2:1. फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो 3:1. अब इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएगा. तो अभी हम कैपिटल टी पर आपको दिए करके दिखाए हैं, आप इसको इस पर क्रॉस कर लीजिएगा, एक ये कर लीजिएगा. ठीक है,
दूसरा कैपिटल डी, कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू को स्मॉल डब्ल्यू से कर दीजिएगा येलो, और इसको ग्रीन कर दीजिएगा, इसको वाइट, और इसको दूसरा कोई कलर ले लीजिएगा पर्पल ले लीजिएगा, और क्रॉस करा दीजिएगा। तो ये दोनों आपको होमवर्क के तौर पे करना है। अब आपको हम डायहाइब्रिड अगर बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिलहाल आप यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगले क्लास में एक डाउट है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को टॉल बोलेंगे या ड्वार्फ? देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी को, कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर है तो इसको हम लोग हाइब्रिड टॉल बोल सकते हैं, प्योर टॉल नहीं बोलेंगे। अगर बोलना भी होगा तो हाइब्रिड टॉल बोलेंगे, इसको हम सीधे टॉल नहीं बोल सकते हैं। हम अगर टॉल बोलना होगा तो इसको हम टॉल बोलेंगे, ये प्योर टॉल है, लेकिन अगर इसको बोलना होगा तो हाइब्रिड। डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब डायहाइब्रिड क्रॉस बता दे या आगे बताएंगे, या इसको प्रैक्टिस इसको समझ लीजिएगा उसके बाद शुरू करेंगे। जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है? अगर ये समझ समझ लूंगी, ठीक है, आगे बताना है या रोकना है? आगे बताना है, नेक्स्ट करें? हाँ चलो, तो हम लोग अब देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में दो तरह के कैटेगरी के लिए, एगो कैपिटल टी और कैपिटल वाई इसका नाम क्या रखें? ये थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसका नाम क्या रखेंगे? टॉल प्लांट तो है ही, और येलो कॉटिलेडन इसको बोलते हैं, येलो कॉटिलेडन। कॉटिलेडन का मतलब हो गया कॉट, ठीक है, येलो कलर का दिखेगा इसका ऊपर का जो है मटर का छिलका का जो कवर है। अब इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल टी और स्मॉल वाई, टॉल का उल्टा हो जाता है ड्वार्फ, ड्वार्फ इसको बोलेंगे, और येलो का उल्टा होता है ग्रीन, मतलब जिसका जो ये है वो ग्रीन दिखता है वो। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, इसको भी अलग करते हैं, स्मॉल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये हो गया पेरेंट, जिस तरह से उसमें लिखे थे उस तरह से। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी रहेगा इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप जब मन तब रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, पीछे रिकॉर्डिंग हमको लगा दी है। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, तो इसको हम पहले वाले से पहले वाले को क्रॉस कराएं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको इससे क्रॉस किए तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे हमको चार गो निकालेंगे, तो एक में देखेंगे दोनों का बड़ा बड़ा लेंगे, दोनों का बड़ा बड़ा मतलब कैपिटल टी कैपिटल वाई, एगो का फिर लिखेंगे बड़ा और छोटा, एक बड़ा ले लिए एक छोटा ले लिए। ठीक है, मतलब पहले बड़ा बड़ा, फिर बड़ा छोटा, फिर छोटा बड़ा, और फिर छोटा छोटा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले बड़ा बड़ा ले लिए दोनों का बड़ा बड़ा, फिर बड़ा छोटा, फिर छोटा बड़ा मतलब इसका छोटा और उसका बड़ा, और फिर छोटा छोटा दोनों का छोटा ले लिए, एक जो भी आया सेम टू सेम इसमें भी वही चीज हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज सेम ही है तो कैरेक्टर वही हो जाता है, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये हो गया हम लोग का F1 जनरेशन, ये हो गया F1 जनरेशन। अब इसको हम लोग ले जा रहे हैं F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन के लिए आपको एक बॉक्स बनाना होगा। F2 जनरेशन में कैरेक्टर यही होंगे लेकिन आपको बॉक्स बना के दिखाना होगा। ठीक है, तो इस बॉक्स में 16 गो का बॉक्स होता है। ठीक है, 16 गो सीधा है, टेढ़ा बन गया है, 16 गो का बॉक्स होता है, 16 बॉक्सेज होते हैं इसके अंदर, और इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर बॉक्स। तो इस बॉक्स में अटेगा नहीं, हम अगले पेज में मतलब बताते हैं। इस बॉक्स को चूंकि पन्नेट नाम का व्यक्ति ने दिया था इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर बॉक्स। तो उसी बॉक्स के माध्यम से हम लोग F2 जनरेशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, ये हो गया बॉक्स। इसमें बॉक्स कितने हैं? 16 बनाना है, 4, 8, 16। अब देखिए क्या क्या लाइन थे, दोनों का बड़ा बड़ा यही था। हम लोग कौन से जनरेशन में चल रहे हैं? F2 जनरेशन। ठीक है, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। अच्छा, जो गुण
दिख सकता है, ठीक है, तो उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। जो गुण छिप सकता है उसको रिसेसिव कैरेक्टर के नाम से जानेंगे, मतलब जो एक्सप्रेसिव गुण होगा वो डोमिनेंट और जो एक्सप्रेसिव गुण नहीं होगा उसको रिसेसिव। जैसे यहाँ पर दोनों का दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, मतलब स्मॉल वाई रिसेसिव है, छुप जाएगा गुण। यहाँ पर कैपिटल वाई डोमिनेंट है, स्मॉल डी रिसेसिव है, यहाँ दोनों का दोनों डोमिनेंट है, मतलब सॉरी रिसेसिव है, इसमें कोई भी अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये रिसेसिव हो गया, ठीक है। अभी यही चीज ऊपर में लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी, हम ये कोई नया बात नहीं लिख रहे हैं, इससे पहले ये चीज को लिख चुके हैं, पीछे पीछे के पेज में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वही चीज बढ़ा रहा है। तो इसको इससे क्रॉस करेंगे, इसमें दोनों में बड़ा बड़ा टी है, तो बड़ा टी बड़ा टी बड़ा वाई बड़ा वाई, इसमें ये बड़ा टी बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है। फिर तीसरे में देखेंगे बड़ा टी छोटा टी बड़ा वाई, फिर देखेंगे बड़ा टी बड़ा वाई छोटा वाई, फिर इसमें देखेंगे बड़ा टी बड़ा वाई छोटा वाई, फिर इसमें देखेंगे बड़ा टी छोटा वाई, फिर इससे इसको क्रॉस करेंगे, इसको इससे क्रॉस करना, तो बड़ा टी बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है। फिर इससे इसको क्रॉस करेंगे, तो बड़ा टी छोटा वाई, फिर इससे इसको क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी छोटा टी बड़ा वाई, फिर इससे इसको क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बड़ा वाई छोटा वाई, फिर इससे इसको एक्सप्रेस मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर इससे इसको एक्सप्रेस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल टी बड़ा वाई छोटा वाई, फिर इससे इसको एक्सप्रेस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बड़ा वाई छोटा वाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, स्मॉल टी स्मॉल वाई, फिर इससे लास्ट वाले को करेंगे, तो स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये तो हो गया क्रॉस। अब आपको इसमें बात क्या करनी है, इसमें बात ये करनी है, हम अभी काट रहे हैं इसको, हम काट के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एग्जाम में इसको नहीं करेंगे, केवल समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें भी आपको दो गो रेशियो लिखना है, जीनोटाइपिक, दूसरा आपको लिखना है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो, हम लोग को दोनों का लिखना है। तो जीनोटाइपिक रेशियो में देखिए, ये आके दोनों में दोनों बड़ा बड़ा, मतलब कैपिटल टी कैपिटल वाई एट लिस्ट एक होना चाहिए, तो इसको ये अकेला है, इसको हम लिखते हैं वन रेशियो, ये दोनों एक तरह का है, इसको लिखते हैं टू रेशियो, ये और ये एक तरह का है, ये हो गया टू रेशियो, ठीक है। ये चारों एक तरह का है, ठीक है, इसलिए हो गया फोर रेशियो, बचा हुआ एक रह गया, तो यहाँ फिर ये और ये एक तरह का है, तो बचा, तो ये हो गया दो, बचा हुआ रह गया यहाँ पर एक, तो एक, ठीक है। फिर ये दोनों एक तरह का है, तो दो, और लास्ट में ये बचा हुआ एक रह गया, तो एक, ठीक है। अब ये हो गया जीनोटाइपिक, जो अलग अलग सब अलग अलग दिख रहा है उसके हिसाब से हम कर दिए, मतलब इंटरनल गुण को दिखाएं तो ये जीनोटाइपिक रेशियो। अब एक्सटर्नल गुण में क्या देखना है, तो एट लीस्ट कैपिटल टी और कैपिटल वाई ए को प्रेजेंट होना चाहिए किसी में, तो ऐसा को खोजना है, तो यहां पर है एक हो गया, इसमें है दो हो गया, इसमें भी कैपिटल टी और कैपिटल वाई कम से कम एटलीस्ट एक है, ये हो गया, इसमें भी है तो ये भी एक हो गया, चार, इसमें है पांच, इसमें नहीं है क्योंकि छोटा वाई है नहीं होगा, इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल वाई इसमें है तो ये हो गया, इसमें तो नहीं है छोटा वाई हो गया, इसमें है तो ये हो गया, इसमें है तो हो गया, ठीक है, इसमें फिर छोटा टी हो गया तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें कैपिटल टी कैपिटल वाई एटलीस्ट एक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब काउंट कर लेंगे कितना हो गया, कैपिटल टी कैपिटल वाई ये हमको खोजना है कि कितना में मौजूद है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, फिनोटाइपिक रेशियो हो गया नौ रेशियो। अब देखेंगे, अब आपको क्या देखना है, ये आप देख लिए हैं, मतलब ये वाला आपको देख लिए, आपको आपको क्या देखना है,
अब आपको दूसरे कलर से दिखाते हैं, ठीक है, दूसरे कलर से देखिए। अब कैपिटल टी स्मॉल वाई जो ले लिया उसको छोड़कर, कैपिटल टी स्मॉल वाई कम से कम एगो में होना चाहिए, एटलीस्ट वन होना चाहिए। तो एक ये हो गया एक, अब देखिए कहाँ है कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ पर भी है दो, कैपिटल टी स्मॉल वाई यहाँ पर भी है तीन, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसका रेशियो हो गया थ्री, ठीक है। फिर कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या, अब है ये भी हो गया। अब देखना है स्मॉल टी कैपिटल वाई क्या गो में मौजूद है, जिसको ले लिए उसको छोड़ के, स्मॉल टी कैपिटल वाई यहाँ पर है एक, स्मॉल टी कैपिटल वाई यहाँ पर है दो, स्मॉल टी कैपिटल वाई यहाँ पर है तीन, इसके अलावा कुछ नहीं, इसका रेशियो हो गया तीन, ठीक है। अब आपको देखना क्या है स्मॉल टी स्मॉल वाई क्या गो में मौजूद है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसको हम कलर चेंज करके फिर बताते हैं, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल टी स्मॉल वाई क्या गो में है, स्मॉल टी स्मॉल वाई एक ही में यहाँ पर रह गया है ये वाला, इसलिए रेशियो हो गया वन। ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। इसका पूछता है कि डाई हैबिट क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो ये दे देंगे। डाई हैबिट टाइप का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो ये हो गया, ठीक है। गुण कौन एक्सप्रेसिव होगा, तो ये एक्सप्रेसिव होगा। कौन जीनोटाइपिक होगा, तो ये हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? ये समझ लूंगी उसके बाद। हाँ आ गया, ठीक है। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब आप एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, आप फिर एक बार प्रॉब्लम लेके हम लोग आएंगे, ठीक है। हम आपका आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। अच्छा इसके लिए पहले हमको हटाना होगा माइक, रुक जा हटा देते, रुक जा रुक जा रुक जा। अनुष्का माइक को हटा के हटा दिए हैं, बोलो। हाँ मेरा आवाज आ रहा है, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, एक डाउट है, बोलो डाउट बोलो तो। डाउट बोलो क्या है, मैं टाइप करो मैसेज। डाउट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई की जगह पर कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई लिख दे तो गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स हो जाएगा ना, मिक्स कैरेक्टर नहीं लिख सकते हैं। एक बार आपको दोनों, क्योंकि कैपिटल टी और कैपिटल वाई जो है दोनों अलग अलग करेक्टर हो जाता है, ठीक है। इसलिए कैपिटल टी के जगह पर दोनों को साथ ही लिख सकते हैं, कैपिटल टी है तो उसके साथ साथ कैपिटल टी ही कैपिटल टी लिखिए या स्मॉल टी लिखें, और कैपिटल वाई है तो उसके जगह पर कैपिटल वाई या स्मॉल वाई ही लिखिए। इसके जगह पर आप अल्टरनेट वे में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। इसलिए ये बात तो आप जो सोचे हैं कि कैपिटल टी या स्मॉल टी की जगह पर इतना अगर लिख दें, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, समझे। चलिए और पूछिए, हो गया। तो आज आप पढ़ लीजिएगा इतना, आज जो बचा हुआ रह जाएगा, कुछ और भी बचा हुआ रह जाएगा, फिर उसको कल देखेंगे। जितना टॉपिक होगा आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर हम कल उस टॉपिक को देख लें। आप जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, हम प्रैक्टिस करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हाइब्रिड क्रॉस में भी आपको दे देते हैं, क्रॉस करके रखे रहिएगा, ठीक है। इसमें दे देते हैं कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल वाई को क्रॉस करना है स्मॉल पी स्मॉल वाई, एक ये कर लीजिएगा, कैपिटल वाई कैपिटल डब्लू कैपिटल टी को क्रॉस करना है स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस है, ये केवल क्रॉस करने के लिए दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं मतलब। और मेंडल ने सात जोड़ा लिया है, तो कोई भी कैरेक्टर को लेके हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। ये हो गया, ये दो क्रॉस आप कर लीजिएगा, मोनोहाइब्रिड में भी दो क्रॉस दिए हैं, डाईहाइब्रिड में भी दो क्रॉस दिए हैं। उस क्रॉस के लिए रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और तब तैयार कीजिएगा, ठीक है। ओके गुड नाइट, और कोई प्रॉब्लम? गुड नाइट।
चलिए ठीक है।